नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी गुरु अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख रहे हैं हिंदी भाषा का प्रैक्टिस सेट जो आपके आने वाले बीएड एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा। दोस्तों, इसके पहले भी कई और प्रैक्टिस सेट आपके पढ़ चुके हैं जिसको आप मेरे चैनल पे पा सकते हैं और उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर देते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन आपके सामने है। तो चलिए दोस्तों, मैं आंसर बताता हूँ। इसका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर इसका होना चाहिए, उत्साह आपके वीर रस का स्थायी भाव है। तो दोस्तों, इसके अलावा जो कुछ और इम्पोर्टेंट रस हैं जिसका स्थायी भाव अक्सर आपका एग्जाम में पूछता है, सबसे पहला तो आप नोट कर लीजिएगा विभत्स रस का। विभत्स का होता है घृणा या जुगुप्सा, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद शांत रस का नोट करिएगा, शांत रस का होता है निर्वेद। और आप जो श्रृंगार रस का रति और हास्य रस का हास्य, तो इतना चीज तो आप नोट कर लीजिए, इससे बार बार क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि ये सब वीर रस, उत्साह, ये सारी चीजें थोड़ी पुरानी हो गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या है। नाथ देव के कर करन भरोसा, सोसी सिंधु करिमन रोसा, कादर मन मनु एक अगधारा, देव देव आलसी पुकारा। उपरोक्त पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है? आपसे यहाँ पे छंद की बात किया है। तो आंसर देखिए दोस्तों, आंसर आपका क्या होगा? आंसर होगा आपका चौपाई। इसके पहले वाली वीडियो में दोस्तों मैंने चौपाई के बारे में बात की थी, आप लोग जो है चौपाई को भी पढ़ लीजिए। चौपाई क्या होती है? आपकी मात्रिक समछंद का एक भाग यानी एक भेद होती है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी भाषा की बोली नहीं है? तो दोस्तों, इसका आंसर अब मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको मुझे बताना है क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं। चलिए आगे चलते हैं, लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या है? तो चलिए दोस्तों, आंसर बता देते हैं। आंसर आपका क्या होगा? लक्ष्मी का पर्यायवाची इसमें से सभी है, सभी आपके लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। चाहे आप कमला की बात करें, यहाँ देखिए लिखा हुआ है लक्ष्मी के लिए, यहाँ पे चाहे आप कमला की बात करें, चाहे रमा की बात करें और चाहे सिंधु सुता की बात करें, सभी आपका लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, विवाह का कौन सा पर्यायवाची है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसका आंसर हो जाएगा परिणय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, त्योहार का तत्सम शब्द क्या होगा? तो आंसर होगा त्योहार का तत्सम शब्द तिथिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पंडित का विलोम शब्द क्या होगा? तो आंसर देखिए दोस्तों, पंडित का जो विलोम शब्द है ये आपका हो जाएगा मूर्ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों कि चुलबुलापन में कौन सा प्रत्यय है, किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो आंसर देखिए दोस्तों, आंसर इसका होना चाहिए पन प्रत्यय का, चुलबुला प्लस पन। जैसे अगर पालन बोलता तो पालन में किसका प्रयोग किया जाएगा? आपका अन। उसी प्रकार से चुलबुलापन है तो पन ही अलग से आ रहा है, तो चुलबुलापन में पन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुशासन की संधि विच्छेद क्या होगा? तो चलिए दोस्तों आंसर बताते हैं, दुशासन का जो आपका संधि विच्छेद होगा वो होगा दु प्लस शासन। ठीक है, बहुत सारे लोग दुशासन कर देते हैं तो ये नहीं होगा, ये दुशासन होगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दाल रोटी में कौन सा समास है? तो आंसर क्या होगा दोस्तों, द्वंद्व समास होगा, द्वंद्व समास दाल और रोटी। देखिए वैसे दोस्तों द्वंद्व समास में अधिकतर आपको जो मिलता है वो इस प्रकार से मिलता है कि दोनों में अपोजिशन यानी अपोजिट देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है, यहाँ पे दाल और रोटी के संबंध में आएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाले को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा आदि प्रवर्तक। आदि मीन्स भी आपका होता है शुरू करने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि मधुशाला के रचयिता कौन है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका तो आंसर सभी को पता होगा, आपको आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह की संख्या कितनी है? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आयोगवाह की संख्या आपकी दो है, वो कौन कौन से हैं? एक आपका अंक है, एक का अहा है, तो ध्यान रखिएगा, एक अंक है और एक अहा। मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, सॉरी दोस्तों लिख नहीं पा रहा है इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम है। चलिए अंक और अहा है, आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हाँ, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि संयुक्ताक्षर की संख्या कितनी है, तो वो भी आपके कितने हैं? चार हैं। और मूल स्वर आपके कितने हैं? वो 11। तो ये भी सब आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
की राष्ट्रभाषा कहलाती है? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा आपकी राष्ट्रभाषा कहलाती है। देखिए दोस्तों, जो आपकी राष्ट्रभाषा होती है वो ज्यादातर लोग जो अपने यहाँ लिखने पढ़ने आदि के लिए यूज करते हैं वो होती है, और आपसे राजभाषा भी पूछ लेता है। तो राजभाषा जो आपकी लगभग लगभग सारे सरकारी कामकाज की भाषा होती है वो आपकी राजभाषा होती है ना, तो ठीक है उसको ध्यान में रखें। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा बढ़ा लिया मैंने इसको। चलिए हाँ, यहाँ पर आपके सामने है कि बीजक के रचयिता कौन है? तो आंसर सिंपल है, आंसर उसका हो जाएगा कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनय पत्रिका किसकी कृति है? तो आंसर क्या होगा, विनय पत्रिका आपके तुलसीदास जी की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दोहे में कितने चरण होते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा आपका सही, अपने आप में ही सही लग गया है, बी। बी दोहे में आपके 4 चरण होते हैं दोस्तों। दोहा सोरठा इसके बारे में इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको जाकर के जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी मैंने आपको बताया है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर इसका आंसर दे रहा हूँ। प्रत्येक चरण में आपकी 16 16 मात्राएं होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्रुव स्वामिनी के रचयिता आपके प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जो पूरा नाम इनका, ध्यान रखिए। इन्हीं का जो है, जो और इम्पोर्टेंट चीज है जैसे कि कमायनी है, कंकाल, आंसू, वो भी इन्हीं की जो है रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि कादंबरी के लेखक कौन है? तो आंसर क्या होगा दोस्तों, कादंबरी के जो आपके लेखक है वो बाण भट्ट जी हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। इसको संस्कृत साहित्य का महान उपन्यास कहा जाता है, और एक अलग जो इसकी इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो ग्रंथ था ये बाणभट्ट जब लिख रहे थे तब ये पूरा नहीं हो पाया था। इनकी मृत्यु के बाद जो उनके पुत्र थे भूषण भट्ट, उन्होंने इसको पूरा किया था, और पिता द्वारा जो लिखित भाग था उसका नाम, उसका उन्होंने पूर्व भाग कहा, और जो उन्होंने स्वयं लिखा उसको उन्होंने उत्तर भाग कहा, तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गबन किस लेखक की कृति है? तो बहुत सिंपल है दोस्तों, गबन आपके किसकी है? गबन आपके जो है प्रेमचंद जी की है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ये आपको दिख नहीं रहा है, मैं आपको यहां दिखाता हूं। निम्नलिखित पंक्तियों में रस की पहचान करने की कौन सा रस है? तो यहां पर आप पढ़िए, बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में वारन बजी सर थही, बान की वायु उड़ाए के लाछन लच करो अरिहरा समर्थही। तो दोस्तों इसमें आपका जो है क्या, आपका कौन सा रस होगा ये आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रौद्र रस। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि हे खग हे मधुकर श्रेणी तू देखी सीता मृग नैनी, इसमें कौन सा जो है आपका रस होगा ये आपको बताना है। तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें वियोग रस की बात हो रही है, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस दोनों होता है, तो इसमें वियोग श्रृंगार रस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, इसमें आपका कौन सा रस है? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें वात्सल्य रस की बात हो रही है। चलिए आखिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न रूपों में से सही वर्तनी, इसमें से कौन सी सही वर्तनी है? बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसमें सही वर्तनी आपका क्या है, साहित्यकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ईश्वर का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका जो जीवनोतक लिखा हुआ है ये आपका जो है ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है। अगर जीवनोदक देखा जाए तो दोस्तों जो आपका अमृत सुधा पीए पीयूष ये जो होता है, यानी अमृत कुल मिला के उसका पर्यायवाची होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि कमल का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जलद। जलद आपका नहीं है। देखिए दोस्तों इन क्वेश्चनों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसे आप जल्दी बाजी में पढ़ते हैं और सीधा ओएमआर सीट पे आप
उसमें फिल करने लग जाते हैं। तो इसमें देखिए ये जलज नहीं लिखा है, जलद लिखा है। जलद मतलब जल देने वाला यानी बादल। तो बहुत जल्दबाजी ना करिएगा, आपको पर्याप्त तो समय मिलेगा आपके पेपर के लिए। आराम से देख करके पहले अपने जो है जो आपको प्रश्न पत्र मिलेगा उसमें टिक कर लीजिएगा, उसके बाद आप जो है ओएमआर शीट को भरिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कि शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? शाक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेश किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? राजेश आपके गुण संधि का उदाहरण है, ठीक है। साथ ही साथ अगर राजेश का आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? राजा प्लस ईश। राज प्लस ईश नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, राजा प्लस ईश। इसी प्रकार राजेंद्र का अगर करेंगे तो राजा प्लस इंद्र हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि दिनानुदिन किस समास का उदाहरण है? दिनानुदिन कहे या दिनों दिन कहे, तो ये आपका अव्ययी भाव शास का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारीर कोसो देश नाही किस प्रसिद्ध महिला की रचना है? तो बहुत प्रसिद्ध महिला थी दोस्तों, इनका नाम था तस्लीमा नसरीन। तो और इसके अलावा इनकी जो ये इंपॉर्टेंट उपन्यास है जैसे कि लज्जा है, निमंत्रण, फेरा, वो भी आपके तस्लीमा नसरीन जी का ही है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भूपाल पालो भूति भूमिपति बदनेश नंद सुजान, इस पद में किस छंद का प्रयोग हुआ है? दोस्तों ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे इसमें हरि गीत का छंद आपका है, क्योंकि छंद में इसमें ये जो ऐसा है इसको या तो आप सीधा सीधा याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत कम एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांति दूत में कौन सा समास है? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शांति का दूत कौन सा है? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आजन्म में कौन सा समास है? बहुत ही सिंपल है ये आपके लिए, क्या होना चाहिए? आविर्भाव समास। अगर दोस्तों आपने मेरी वीडियो इसके पहले देख रखी होगी तो आपको इस जो जितने भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इसमें बहुत कम ही ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको फंसते हुए नजर आएंगे। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन योग ऋण शब्द है? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा पंकज। देखिए दोस्तों जो योग ऋण होते हैं वे होते कौन से हैं, जैसे कि आपके ये तो होते कुल मिलाकर के यौगिक शब्द ही हैं, लेकिन ये अपना स्वयं का अर्थ ना दे करके कोई एक विशेष अर्थ देते हैं। जैसे पंकज है तो पंकज आप जान रहे होंगे कि कमल को कहा जाता है, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। तो इसको अपना सामान्य अर्थ की जगह ये अर्थ में निकल के आ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग योग रूढ़ बोल रहे हैं। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो आंखों से ना देखा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? आंसर आपका क्या होना चाहिए? अगोचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढिंढोरा पीटना मुहावरे किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? अपना प्रचार करना। नेक्स्ट है यहाँ पे तूती बोलना का सही अर्थ क्या होगा? बहुत सिंपल है, रौब रौब होना या रौब झाड़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो दोस्तों आंसर क्या होगा? कलम के सिपाही के लेखक अमृत राय हैं। अच्छा दोस्तों, बहुत सारे लोगों को एक दिक्कत यहाँ पर ये होती है कि कलम का सिपाही लोग कहते हैं प्रेमचंद। तो देखिए ध्यान क्या देना है आपको, कि जब पूछेगा कि कलम के सिपाही का लेखक कौन है तब तो आपको अमृत राय लगाना है, लेकिन अगर पूछता है कि कलम का सिपाही किसे कहा जाता है तब आप उसको प्रेमचंद टिक करेंगे, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है इसमें से। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? पाठ पढ़कर कल आइएगा, कि कल कल आइए पाठ पढ़कर, कल पाठ पढ़ के आइए, तो ये आपका एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो कौन सा होगा आपका? ये होगा विलक्षण। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट में, जो मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूं, भाता मुझे नौ मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित नेम से ही, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। ये भी दोस्तों बहुत ज्यादा आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इंद्रवज्जा ये होगा आपका, वैसे तो फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वणिक छंद का उदाहरण है। इसमें जो है जो प्रत्येक चरण में दो तगड़, एक जगाड़ और दो गुरु होते हैं, तो ये सब बहुत थोड़ा सा हाई लेवल का है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट भी उसी प्रकार से, तो इसको भी मैं आपके लिए स्किप कर रहा हूं, आगे देखिएगा नेक्स्ट। चलिए ये ऊपर वाला ही था दोस्तों, तो इसको मैंने जो है आपके लिए स्किप किया। यहाँ आइए, भारत भारती किसकी रचना है, इसका अब हमको आंसर देखना है सीधा। तो भारत भारती किसकी रचना है आपकी? ये है आपकी मैथिली शरण गुप्त की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है, चंद्रकांता किस लेखक की कृति है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है।
तो आंसर आपके लिए क्या होगा, बहुत लोगों को इसका आंसर जरूर पता होगा, देवकी नंदन खत्री। लेकिन दोस्तों इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि चंद्रकांता क्या चीज है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है? तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि चंद्रकांता एक उपन्यास है। ठीक है, चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ कह रहा है कि लड़कियां को जाने दो, इसमें क्या करना है कि शुद्ध रूप कौन सा है वो आपको देखना है। यहां पर आपके सामने चार ऑप्शन है, क्या होना चाहिए आंसर? तो आंसर आपका हो जाएगा लड़कियों को जाने दो। बहुत ही सिंपल है ये, सिंपल ही आता है, बहुत टफ नहीं आता। फिर आभारी हम सदा रहेंगे, तो इसका भी बहुत सिंपल होगा, क्या हो जाएगा, सदा हम आभारी रहेंगे। नदियों बह रही हैं, तो क्या होना चाहिए दोस्तों, नदियां बह रही हैं। ध्यान देना ये नदियां ये वाला नहीं होगा, नदियां होगा, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोसी का घटवार किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर आपका हो जाएगा शेखर जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, इस पंक्ति में किस रस की सृष्टि हुई है, यानी कि कौन सा रस इसमें है? तो आंसर देखिए, आंसर क्या होगा दोस्तों, शांत रस है। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझको जो है ये जरूर बताइए कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो दोस्तों ये थे 2100 क्वेश्चन, मैं समझता हूँ सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आप लोग इसको जो है करने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपने कर पाया, ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।